वेलकम बैक शर्मा जी टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लेकर आए हैं विंसर ई जी हाँ इस गाड़ी में जो है वो बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हैं और इसके साथ में एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया है जो कि आज आप जो है समझने वाले हैं सिर्फ 10 लाख रुपए में आप गाड़ी ले सकते हैं और आप जो है वो किश्तों के अंदर जो है वो बैटरी का पैसा दे सकते हैं जी हाँ ये एक यहाँ पर नया कंसेप्ट लेकर आए एम जी और देखते हैं कि एम जी जो है कितना जो है वो इसको यूज़फुल बना पाता है कस्टमर्स के लिए तो सारी चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आइए फटाफट देखते हैं कि भैया गाड़ी जो है वो किस तरह से मिलती है सबसे पहले आप जो है वो बाहर का डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरह से आपको यहाँ पर जो है वो गाड़ी मिलती है बहुत ही अलग तरह का यहाँ पर आपको डिज़ाइन लगेगा ऐसा नहीं लगेगा कि आपको जो मिक्स एंड मैच मिलता है और गाड़ी को जो है वो एक बिज़नेस एक्सपीरियंस की तरह यानी कि बिज़नेस क्लास एक्सपीरियंस की तरह जो है प्रेजेंट किया गया है गाड़ी की कीमत जो है वो सिर्फ दस लाख रुपये यहाँ पर बताई गई है और जो डिजाइन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दस लाख रुपए के अंदर आपके काफी बढ़िया जो यहाँ पर डिजाइन यहाँ पर मिलने वाला है एक ही तरह का वेरिएंट है एक ही तरह का मॉडल है और बहुत सारे कलर्स हैं जो कि आपको यहाँ पर जो है दिखाई दे रहे हैं तो आप बाहर के डिजाइन के हिसाब से जो है वो चूज कर सकते हैं जैसे ही आप अंदर आते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर जो गाड़ी है उसमें ब्लैक तरह का इंटीरियर है और आप देख सकते हैं कि जो जो सीट्स हैं उसको यहाँ पर एक बिजनेस क्लास वाली फीलिंग देने की यहाँ पर कोशिश की गई है डैशबोर्ड आप देख सकते हैं डैशबोर्ड को काफी मिनिमलिस्टिक रखा गया है एक बड़ी सी यहाँ पर लगभग पंद्रह इंच की जो है वो स्क्रीन दी गई है सारे के सारे कंट्रोल जो है वो उसी के अंदर देने की कोशिश की गई है हालांकि नीचे भी कुछ नॉब्स और बटन्स दिए गए हैं जो कि आपके लिए हैंडी हुए क्विक यूज़ के लिए हालांकि और भी यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ बटन्स यहाँ पर कमी है जो कि यहाँ पर उन्होंने की है उसके अलावा देखते हैं आपका फोल्डर यहाँ पर दिया गया है ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर भी आप देखते हैं हैंड रेस्ट है उसके नीचे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है वायरलेस चार्जिंग का बोर्ड है और डैशबोर्ड के नीचे भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्क्रीन के नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको यू सी दिया गया है यू पोर्ट दिया गया और आप काफ़ी अच्छा एक बड़ा सारा ग्लव बॉक्स है यहां पर आप काफी सारा सामान जो है वो रख सकते हैं स्टीयरिंग जो है वो चलाने में काफी लाइट है काफी मजा आ रहा है मुझे इलेक्ट्रिक ईवी चलाने के अंदर मेरा जो है पहली बार है प्योर ईवी चलाने का इससे पहले हमने हाइब्रिड वाली चलाई थी और इस बार हम जो है प्योर ईवी चला रहे हैं तो काफी बढ़िया लग रहा है ओवरऑल जो एक फीलिंग है गाड़ी की वो काफी प्रीमियम है 10 लाख रुपए के अंदर क्योंकि अगर आप कंपेरेटिवली uh, जाते हैं प, पेट्रोल डीजल के अंदर तो आपको 10 लाख में जो इतनी सारी चीज़ें हैं वो एक टॉप एंड वेर में मिलती हैं और वो जो है वो प्राइस 10 के बहुत ऊपर चली जाती है लेकिन 10 में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं जो इसकी स्काई रूफ है सनरूफ की बात करते हैं तो भाई साहब इतनी बड़ी स्क्रीन है इतनी बड़ी सनरूफ है कि स्काई रूफ़ बोलेंगे सनरूफ बोलेंगे हालांकि एम जी स्काई रूफ बोलता है देसी भाषा में हम लोग सनरूफ बोलते हैं तो बहुत ही बड़ी है भाई साहब मज़ा आ जाता है हालांकि ये जो स्काई रूफ है ये खुलती नहीं है सिर्फ शेड खुलता है सन शेड खुलता, खुलता है लेकिन आज की तारीख में जो लोग यही चलाते हैं वो इतने रखते हैं मैंने भी बड़ी मुश्किल से कभी जो है वो अपनी गाड़ी में सन रूफ खोली होगी एक दो बार वही बच्चों को बाहर दिखाने के लिए अदरवाइज हम बंद ही रखते हैं तो ये जो है पैनोरामिक व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है तो मतलब ये प्रीमियम फीलिंग आपको चीज़ें जो है वो मिलती हैं पीछे की सीट में भी आप देखोगे तो काफ़ी सारी जगह है काफ़ी सारा लेग स्पेस आपको मिलता है तो ये सब चीज़ें आपको उसमें दी गई हैं अब बात करते हैं कि भैया गाड़ी की जो प्राइसिंग है उसमें आपको जो है क्या कैच मिलता है या क्या कैच समझ में आता है ये वाली एक फोटो है मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा आप जो है वो देख सकते हैं इसमें आपको जो गाड़ी की कॉस्ट बताई गई है नौ लाख निन्यानवे यानी कि दस लाख मान लगते हैं और साथ साथ में जो बैटरी है वो आपको रेंट पर मिलती है जिस तरह से आप पोस्ट पेड यूज़ करते हो यानी कि आप फोन पे बात करते हो और बिल जो है मंथ महीने के बाद में आता है या फिर आप इंटरनेट यूज़ करते हो या ब्रॉडबैंड फाइबर एंड कुछ भी यूज़ करते हो तो उस हिसाब से आता है पहले क्या होता था कि जितना आप यूज़ करते हो उतना आता है हालांकि आजकल टेलीकॉम में अनलिमिटेड हो गया लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आप जो है वो अलग अलग तरह के प्लान ले सकते हो तो जितना हमको यहाँ पर समझ में आया है कि दो तीन तरह के प्लान हैं यहाँ पर जो बैटरी वाला सिस्टम है वो आपको फाइनेंसर दे रहे हैं तो मतलब गाड़ी आप जो है वो एक तरह से लोन पर ले रहे हो जी हाँ ये भी यहाँ पर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे आप जो समझेंगे बहुत सारे लोग समझाएंगे अपना अपना एक्सपीरियंस तब जाके जो है वो समझ में आएगी तो सिंपल सी चीज़ है अगर आप 1500 किलोमीटर चला लेते हैं एक महीने के अंदर तो आपको जो है वो साढ़े तीन रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको देना है और ये आपको जो है वो फिक्स रहना है ऐसा यहाँ पर बताया गया है अब बात कर लेते हैं भैया पीछे वाली सीट से तो पीछे वाली सीट में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है सिक्सटी फोर्टी स्प्लिट तो आपको दिया गया है साथ ही साथ पीछे वाली सीट रिक्लाइन भी होती है जी हाँ यहाँ पर बटन दिया है आप दबाओ और उसको पीछे कर लो यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकते हो और उधर भी दिया गया है तो आप दोनों कर सकते हो तो ये भी एक यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है आपको जो है वो बढ़िया से मिलता है और साथ ही साथ जब आपने स्काई रूफ़ खोल रखी है तब तो नज़ारे ही कुछ और जो है वो मिलते हैं अभी थोड़ी धूप आ रही है तो मैंने बंद कर दिया है हाँ जी तो गाड़ी चलाने का जो है वो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और रिजनरेटिव पे लगा रखी है तो बड़ा ही क्या कहते हैं एफिशिएंट मोड उसको बोलते हैं कि चार्ज भी होती रहती है और चलती भी रहती है और मतलब जो कहते हैं ना पावर जो मिलती है वो बस दबाते ही आपको मिल जाती है फिलहाल जो वो स्पोर्ट्स मोड के अंदर है तो बहुत सारे मोड्स हैं इतनी बड़ी आप देखते हैं स्क्रीन है इसके अंदर दुनिया भर की चीज़ें आपको वायरलेस एप्पल कार प्ले मिल जाता है एंड्रॉयड मिलता है हालाँकि एप्पल कार एप्पल का जो कार प्ले मैंने चलाया तो बहुत अटक अटक के चल रहा था बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया चलाने के अंदर और एंड्रॉयड ऑटो चलाया हमने वायर के साथ में तो सही चल रहा है क्योंकि वो केबल जो है यू वाली लगानी पड़ती है अपने पास जो है वो सी टू लाइटनिंग वाली थी तो एक्चुअली में जो ये जो डिस्प्ले है ना बस यही में शिकायत है इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर और कुछ नहीं जो इंटरफेस है ना वो प्रीमियम नहीं लगता है मैंने काफ़ी सारी गाड़ियों में देखे हैं मर्सिडीज़ में देखा है हुंडई में देखा है होंडा में देखा है लेकिन जो प्रीमियम वो है ना फीलिंग वो नहीं आती जो आइकन्स देखते हो ना इनमें अभी काफ़ी ज़्यादा इनको जो है वो एम को सुधार करने की ज़रूरत है एम की सभी गाड़ियों में जो सिस्टम एम जी हेक्टर में हमने देखा था शुरू शुरू के अंदर बहुत लैक करता था ये भी काफ़ी लैग करता है एंड एप्पल कार पर तो भयंकर लैक करता है तो वो मतलब जिसको मैं जो चलाता हूँ ना मतलब जो चलाता है उस हिसाब से जिसको लगता है ना कि यार ये होना चाहिए तो वो यहाँ पर कमी है तो उसमें एम को अभी काम करना पड़ेगा यूज़र इंटरफेस के मामले में उसके अलावा अगर बात करते हैं तो भैया गाड़ी में मुझे फ़िलहाल कोई शिकायत नहीं आई बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा है चलाने के अंदर चलाने में तो मजा आता है बस थोड़े बटनस की है क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है वॉल्यूम कंट्रोल दिए गए हैं थोड़ा बस आपको यूज टू होना पड़ता है क्योंकि आप पुरानी गाड़ी में चला रहे हैं तो किसी में लेफ्ट में है किसी में राइट में ऊपर नीचे बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है यहाँ पर आपको गेयर नॉब्स वगैरह दे दिए गए हैं तो यहाँ पर शुरुरा का सारा जो क्लस्टर है ये सारा का सारा बिल्कुल खाली है फ़ोन रखो कप होल्डर रखो चीज़ें रखो यहाँ पर तो बढ़िया है वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर तो ये सब चीज़ें आपको मिल गई हैं गाड़ी की हैंडलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है बाकी मुझे जो है ओवरऑल एक बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो मिला है तो यहाँ पर जो है वो एम जी तीन साल की और पाँच साल की ओनरशिप के हिसाब से भी आपको फाइनेंस स्कीम देता है ये भी आप जो है वो समझ सकते हो यहाँ पर उन्होंने बताया कि दस लाख की गाड़ी है पिछहत्तर हज़ार रुपये कम से कम लगते हैं रजिस्ट्रेशन के नॉन ई के अगर ई है तो उसके लिए जीरो रजिस्ट्रेशन है और ये सब चीज़ें हैं तो फाइनेंस वाले ऑप्शन हैं और बाकी जो मैंने आपको बताया कि साढ़े तीन रुपये किलोमीटर वाला जो हिसाब है वो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है और यहाँ पर ज़ीरो पे वाला भी है जैसे मेरी जो गाड़ी है मैंने पिछले साल दिसंबर दिसंबर नहीं मई 2023 में गाड़ी ली थी और अब तक वो जो है पंद्रह हज़ार किलोमीटर चली है तो लगभग 16 महीने मैंने पंद्रह हज़ार चलाई है तो अगर आप एवरेज माने कि यार हज़ार किलोमीटर जो हर महीने चलाई है तो पे एज़ यू गो के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं मान लीजिए हज़ार चलाई तो आपको जो है साढ़े तीन हज़ार रुपये मंथली आपको जो है वो उसका बिल भरना पड़ेगा बिल आपको किसको देना है वो आपको देना है आपके फाइनेंसर को जो आपको फाइनेंस करता है जैसे विद्युत है बजाज फाइनेंस है ये सब लोग हैं तो इस तरह से आप जो है वो ग्रीनरी को प्रमोट कीजिए ए वी लेकर आइए और अपने एनवायरनमेंट को जो है वो बचाते रहिए बात करते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ों की तो काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी हैं इसके अंदर और अगर आप आगे एक गाड़ी देखो तो भैया सब लोग जो है वो उस पर लमक के जा रहे हैं निकल के जा रहे हैं तो इस तरह के काम जो है वो नहीं करने चाहिए मान लीजिए आपके आपके पास गाड़ी है बढ़िया है गर्मी लग रही है बाहर निकल के तो ऐसा नहीं करना चाहिए तो ओवरऑल एक बढ़िया गाड़ी है जी मैं ज़रूर से इसको लेने की कोशिश करूँगा हालाँकि मैंने पिछले साल की गाड़ी नहीं कर ली थी तो अगर वो गाड़ी अच्छी निकल जाती है तो निकालेंगे हाँ तो अब बात करते हैं मान लीजिए आपने जो है वो तीन साल तक आपने गाड़ी चला ली है तो एम का यहाँ पर कमिटमेंट है कि आपको अप टू सिक्सटी परसेंट वैल्यू जो है मिल सकती है वो भी डिपेंड करेगा कि कैसी कंडीशन है और ये जो है वो फाइनेंसर आपको बताएगा कि गाड़ी की जो कंडीशन है उसके हिसाब से क्या जो है वो उसकी वैल्यू बनती है तो वो समझने वाली बात है यहाँ पर कि फाइनेंसर जो वैल्यू लगाएगा वही आपको जो है वो मिलेगी तो एक तरह से आप जो है वो गाड़ी आप लोन पे ले रहे हैं तो जो फर्स्ट ओनर है उसके लिए यहाँ पर ज़ीरो इंश्योरेंस मतलब अनलिमिटेड वारंटी है गाड़ी को कुछ भी हो जाता है वो सब जो आपका फाइनेंसर है वो संभालेगा आपको इंश्योरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है साथ ही साथ एम ने यहाँ पर जो है वो अपनी एक ऐप निकाली है ई e हब करके इसके अंदर जो है वो आप सभी के सभी चार्जेस की लोकेशन देख सकते हैं और एक साल तक के लिए आपको जो है पब्लिक चार्जिंग फ्री है मान लीजिए आप किसी भी कंपनी के चार्जर पे जाते हैं जो भी यहाँ पर एम की ऐप के अंदर आ रहा है तो वहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं और आपको चार्जिंग के भी पैसे नहीं देने हैं जी हाँ कोई भी पैसा आपको चार्जिंग का नहीं देना है एक साल तक जैसा कि यहाँ पर बताया गया है क्योंकि उसकी जो बिलिंग है वो डायरेक्ट एम को हो जाएगी आपको तो बस कुछ चीज़ मिलेगी वॉलेट मिलेगा या कुछ तो मिलेगा कार्ड वगैरह आपको वो लगाना है और चार्ज हो जाएगा पैसे आपको जो है वो चार्जिंग के लिए नहीं देने हैं तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट है अगर आप कहीं से भी चार्ज कराते हैं सात सौ आठ सौ रुपये लगते हैं फुल चार्ज कराने में या हज़ार रुपये लगते हैं जैसे हमने देखा काफ़ी जगह काफ़ी वीडियो में देखा लोग चार्ज कराते हैं अपनी टाटा की गाड़ी को और किसी गाड़ी को तो इतने रुपये लगते हैं तो वो भी आपको जो नहीं देने आप फ्री में उसको चार्ज करवा सकते हैं तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई मुझे लगता है कि आपको जो है सारी काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई होंगी तो आप ज़रूर से इसको एक्सपीरियंस कीजिएगा गाड़ी को आपके नज़दीकी शोरूम में जाइए गाड़ी को चलाइए टेस्ट ड्राइव लीजिए और ई मतलब ईवी के इकोसिस्टम में आ जाइए आप लोग भी और एनवायरनमेंट को भी जो है वो सपोर्ट कीजिए तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो सब कुछ पता लग गया होगा विंसर के बारे में तो लिव बिजनेस क्लास यहां पर कंपनी की जो है वो यहाँ पर टैग लाइन है और काफी इसको जो है वो अफोर्डेबल बनाया गया है तो अगर आप एक सेकेंडरी कार के लिए देख रहे हैं या सिर्फ एक सिटी कार के लिए देख रहे हैं या एक ऐसी कार के लिए जो उसका रन आपको जो है डेढ़ सौ दो सौ किलोमीटर जो है वो चल सकता है और अगर आप ईवी को घर पे ही चार्ज करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया ये ऑप्शन जो है वो रहता है तो सारी चीज़ों को समझने के साथ में आप इसको जो है ज़रूर से देख सकते हैं मेरी जो फेवरेट है वो इसकी पैनोरमिक सनरूफ है रिक्लाइनिंग बैक सीट्स हैं काफ़ी वहाँ पर जो है वो एरिया है यानी ग्लास एरिया काफ़ी ज़्यादा है यानी कि आपको जो है वो क्लॉस्टोफोबिक नहीं लगता है डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एक प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पर देने की कोशिश की गई है तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन है साथ ही साथ अगर आप एम जी कॉमेट लेना चाहते हैं तो वो भी इसी मॉडल पर आ गई है पांच लाख में मिल रही है इवन अखबार के अंदर जो है वो उसकी न्यूज भी आई थी न्यूज नहीं मतलब फुल पेज एड आया था तो वहां पर भी और सेम चीज जो है जेड एस के ऊपर भी है तो बैटरी ऑन रेंट यानी कि बैटरी एज अ सर्विस यहां पर भी आपको जो ऑप्शन मिल जाते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो के अंदर तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ राइड सेफली और बोलते रहिए भारत माता की जय